कमरे में कैद रंग। लीजिए प्रस्तुत है अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित प्रख्यात कथाकार श्री गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित रेडियो रूपांतर कोहरे में कैद रंग की पहली कड़ी। अमरकंटक मध्य प्रदेश की छोटी सी नगरी, जहां से दो नदियां सोन और नर्मदा निकलकर विपरीत दिशाओं में चली जाती है। सोनत नर्मदा नदी, जैसे प्रेमी और प्रेमिका, मगर चल दिए फिर कभी ना मिलने को। छोटा सा संयोग और फिर वियोग ही वियोग। मनुष्य को ये सिफत मिली है कि जो पीछे छूट गया है उसे देख सकता है। अनूठे पलों में जीवन के तनावों और द्वंद्वों को उजागर कर बहुत कुछ। तो बच्चों, बारह खड़ी शुरू करें। जी गुरु जी। काका काका, किकी किकी, कुकू। गांव की वो एकमात्र प्राथमिक पाठशाला नीम के उस विशाल छायादार पेड़ के नीचे लगा करती, जिसके चारों ओर गोल चबूतरा था। पिताजी पाठशाला के अकेले शिक्षक थे। उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर रात को खटिया बिछ जाती। दरअसल यही पेड़ पिताजी का घर था। जाड़े बरसात में वो लकड़ी की एक टूटी संदूकची, दो धोती, एक लाल गमछा, दो कुर्ते, आटे दाल के कुछ छोटे डिब्बे, कुछ डिबियाएं, यानी अपनी ये छोटी सी चलती फिरती गृहस्थी लेकर पास ही बनी स्कूल की एकमात्र कोठरिया में चले जाते। पिता गांव में पढ़ाते थे, माँ कस्बे के स्कूल में, मैं कस्बे के स्कूल में पढ़ता था। पिता अक्सर इतवार के इतवार कस्बे आते। इस बार वो एक दिन के लिए मुझे भी गांव ले आए थे। अरे बेटा। जी पिताजी। जरा दो चार कंडे तो लाना। जी पिताजी। हाँ, चलकी पड़ रही है। ये लीजिए पिताजी। ला ला बेटा, ला ला ला। ये लो बेटा, मूंग की दाल और ये आलू प्याज का भरता और ये रोटी गर्मा गर्म। जी पिताजी। पिताजी ने ये सब तो दे दिया, लेकिन वो रसखीर कहाँ है जो रात भर हंडिया में चांदनी में नीम के पेड़ पे लटकी रही। अरे बेटा, बर्तन में खीर रखी है, खा लेना। जी पिताजी। पिता मुझसे मतलब की ही बात बोलते थे। शायद वो जानते थे कि उनकी जबान कर्कश है। वो एक दिन के लिए खुद ही मुझे गांव लेकर आए थे, सो शायद सजग थे कि मुझसे कोई कड़वी बात ना बोल बैठे। थोड़ी देर में पाठशाला लग गई। उसी चबूतरे पर मैली कुचैली पोशाक में नाक पोंछते हुए पार्टी बोर का लिए बच्चे आ गए। सिर्फ लड़के, लड़कियां नहीं। अरे बेटा जरा यहाँ ना। आया पिताजी। जी पिताजी। बेटा जरा इन बच्चों को दस्तक का पहाड़ा सिखा दो। जी पिताजी। और इनको कुछ सवाल दिए हैं वो जांच लो। जी पिताजी। सहपाठियों, तुम्हें सात का पहाड़ा आता है? हाँ। सुनाओ। सात एकम सात, सात दूनी चौदह, सात या इक्कीस, सात चौके अरे भैया, सात चौके अट्ठाईस,
कितना? 7 × 28 और 7 × 5 7 × 45 ओहो 45 कैसे होगा? तुम बताओ 7 × 5 कितना हुआ? 7 × 5 30 7 × 5 30 ओहो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। अब मेरे साथ 7 का पहाड़ा बोलकर याद करो। ठीक है। 7 × 5 35 7 × 5 35 7 × 6 42 7 × 6 42 पिताजी ने उस दिन मुझे छोटा मोटा मास्टर बना दिया था। स्कूल की छुट्टी हुई और पिताजी मुझे कस्बे के लिए छोड़ने पैदल निकल पड़े। पीछे से मैं धोती के नीचे से दिखती हुई लगातार चलती हुई पिता की टांगों को देखता जा रहा था। दुबली पतली सुडौल मगर लगातार चलती हुई, जो ना तेज होती थी ना पिछड़ती थी। पिताजी आधे रास्ते मुझे पहुंचा गए और आगे का रास्ता मुझे ठीक से समझा दिया। देखो बेटा, ये जो बैलगाड़ी का रास्ता जा रहा है जी, इसे ही पकड़े रखना जी, छोड़ना मत। आगे बरगद का पेड़ आएगा, वहां से मुड़ना है ना? बेटा मेरी पूरी बात सुन तो लो। बरगद के पेड़ से बाएं मुड़ जाना, एक मोटी पगडंडी मिलेगी, वो पहाड़ी की जड़ तक ले जाएगी और फिर पहाड़ी की सीढ़ियां पकड़ लेना। सीढ़ियां तो हरी तलैया तक जाएंगी ना? हाँ, पहले ऊपर चढ़ेंगी और उतरते ही अपनी बस्ती आ जाएगी। समझ गए ना बेटा? जी पिताजी। तो अब मैं चलूं? जी मैं चला जाऊंगा। पिताजी चल दिए, मैं मुड़ मुड़ कर उन्हें गांव लौटते देखता रहा, धोती के नीचे झलकती उनकी टांगों को भी। उन्होंने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, या शायद तब देखा हो जब मैंने ना देखा हो। खैर, मैं चलता हुआ हरी काई जमी तलैया तक जा पहुंचा, जिसमें कुछ लोग डुबकियां मार रहे थे। और तभी राम नाम सत्य बोलो गत है। अरे बच्चा हमका छोड़ गयो रे, आए हमका भी उठाई ले ओ भगवान। पहाड़ों के बीच शाम की उतरती छाया में ये जीवन की पहली शव यात्रा थी जो मैंने देखी थी अकेले। डर के मारे बुरा हाल था। इसके पहले भी यूं तो घर के बाहर गुजरती हुई शव यात्राओं की झलक देखी थी, मगर तब मां दौड़कर किवाड़ बंद कर दिया करती थी। पिताजी ने मुझे उस रास्ते भेजा था जहां पास में शमशान था, जहां हरी तलैया पड़ती थी, जिसमें शव यात्रा से लौटकर लोग नहाते थे। पिताजी ने मुझे इसी रास्ते से अकेले क्यों भेजा? साथ क्यों नहीं आए? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं बता सकते थे, या कुछ जीवन शिक्षा देना चाहते थे? ऐसे कई सवाल आज उठते हैं। जो भी हो, मैं अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गया। तब फोन नहीं था। पिता के पास मेरे पहुंचने की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। 3 दिन बाद इतवार आया तो पिताजी भी पहुंच गए। वो ये इतवार गोल भी कर सकते थे, मगर उनके आने से ही मेरे यहां पहुंचने को लेकर उनकी चिंता की पुष्टि हुई। उस शाम मैंने अकेले चलना सीखा, डरावने रास्तों पर चलना, रास्ते खोजते हुए चलना सीखा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चलो चलो बाहर निकलो, सारी कक्षाएं बंद करो। हाँ हाँ बंद करो, बंद करो,
भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, यहाँ से हम नारे लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, देशभक्ति के नारे। हाँ जरूर, आप भी हमारे साथ देंगे ना? जरूर, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान हमारा है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। अरे वे तो गोरे सिपाही हैं, संगीने तान कर हमारी ही तरफ आ रहे हैं। हाँ हाँ, नारे और तेज कर दो, इंकलाब जिंदाबाद। इन छात्रों के बीच मैं भी था, मगर सहमा हुआ, डरा हुआ, भाग जाना चाहता था। मुझे घर जाना है। चुप, यही रहे चुपचाप, बाहर निकलेगा तो वो भूल के रख देंगे। इतने सारे सिपाही संगीने ताने सामने खड़े हैं, अगर इन्होंने गोली चला दी तो क्या वो मुझे मार डालेंगे? मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? लोग तो बड़े होकर मरते हैं, मेरे माँ बाप का क्या होगा? सब मुझे अर्थी में बांधकर हरी तलैया वाले रास्ते से लेके जाएंगे। मेरे पिताजी अर्थी के पीछे वैसे ही दौड़ेंगे जैसे वो बूढ़ा दौड़ रहा था। नहीं नहीं, मुझे भाग जाना चाहिए, मैं भाग सकता हूँ। मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे, डर के मारे कलेजा कांप रहा था। मैंने अपने एक साथी से डरते डरते पूछा, सुनो सुनो, क्या मैं उस रास्ते से उधर से भाग जाऊं? अब मेरा भी डर जाने लगा था। कहते हैं हिम्मत खुद में ना भी हो तो बाहर से आ जाती है। उस उम्र में लक्ष्य का तो कुछ पता था नहीं, और भारत माता कहते वक्त भारत से अगर कुछ ठीक ठीक समझ ना आए, फिर भी माता कहने से तो प्रेम बचता ही था। सो मेरी हिम्मत अपने साथियों को देख बढ़ी, और मैं भी मुट्ठी बांध कर दहाड़ने लगा। इसी बीच सिपाहियों ने हमें लॉरी में भरा और एक स्कूल की इमारत में ले जाकर बंद कर दिया, मगर वहां भी हम नारेबाजी करने से बाज नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये हिंदुस्तान हमारा है, वंदे मातरम। हमें स्कूल की इमारत में कैद हुए कुछ ही वक्त बीता होगा कि एक बड़ा सिपाही दो छोटे सिपाहियों के साथ वहां आया। इंकलाब, सुनो सुनो, सभी गौर से सुनो, जो भी छोटे लड़के अंदर बंद हैं, सब बाहर आ जाएं, एक एक करके। सिपाही जी जनाब, दरवाजा खोल दो। जी बहुत अच्छा, चलो लड़को बाहर निकलो। बाहर निकले नहीं कि उड़ने लगे ये बच्चे। जानते नहीं शायद कि पाला किससे पड़ा है। आ छोटे सत्याग्रहियों। उसके बाद बड़े लड़कों को भी लॉरी में भरकर बस्ती के बाहर छोड़ दिया गया, जहां से देशभक्ति के गीत गाते हुए, नारे लगाते हुए रात तक वो भी बस्ती पहुंच गए। मैं तो शाम को ही घर पहुंच चुका था, मगर एक अजब आत्मविश्वास से लबरेज था मैं। उस दिन जब पिता मुझे आधे रास्ते पहुंचाकर गए थे, तब मेरी आंखों ने ओझल होने तक उनकी नंगी टांगों का पीछा किया था। फरफराती धोती के बीच से निकलती लगातार चलती पिता की वो टांगे, मेरे दादा ने भी मेरे पिता की टांगों का पीछा किया था जब वो घर से भागे थे, मगर मेरी तरह नजरों से नहीं, बल्कि अपने नंगे पैरों से। दादा ने कभी जूते नहीं पहने, लंबे फैले फैले खुरदरे और जीवन शक्ति से भरे पूरे पैर थे उनके, पत्थरों और कांटों को रौंद देने वाले एक किसान के पैर। दरअसल खूबसूरती तो सही मायनों में पैरों में ही होती है, वो ही बुरे दिनों में इंसान को खड़ा रखने की ताकत देते हैं, और वो ही उसे चलाते हैं। जो भी हो, पिता मेरी ही उम्र के रहे होंगे कि बगैर टिकट ट्रेन से काशी भाग आए
और वहीं एक संस्कृत पाठशाला पहुंचे जहां रहना खाना पढ़ना सब मुफ्त था। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। मगर पाठशाला के गुरुजी ने पिता को बच्चा जान दाखिला पत्र भरवाने के बहाने पता ठिकाना पूछकर चुपचाप उनके गांव खबर भिजवा दी। बस क्या था, दादा उन्हें लेने पहुंच गए। अरे भैया घरे चला भैया। ना ना मैं ना जाय हूँ। काहे उते खाबे खा नहीं मिलत का? मोहे पढ़ने हैं। अरे तो पढ़ लाई। कहाँ? गाँव में। कीसे? चौबे जी से। वे कथा बाचवे के आगे कछु नहीं जानत। तो जी से ही मन करे उसे ही पढ़ लाई। उते खाबे खा तो मिलत है। इतना मिलत है। दादा की जिद और गुरुजी के दबाव के चलते पिता को दादा के साथ लौटना पड़ा। पर पिता ने घर क्यों छोड़ा? क्या वाकई पढ़ने की तीव्र इच्छा थी या उस कुएं से निकलकर बाहर देखने की तड़प थी या कुछ कर गुजरने की छटपटाहट थी जो शुरू में धुंधली होती है बाद में ही आकार ले पाती है? कुछ भी हो, इधर दादा के साथ लौटते वक्त कानपुर से गांव के लिए गाड़ी बदलनी थी। दादा पिता को सामान के पास बिठाकर टिकट लेने गए कि वो एक बार फिर भाग गए। दादा ने प्लेटफॉर्म पर बहुत ढूंढा फिर हार कर लौट गए। उधर पिताजी भटकते हुए अंत में अयोध्या पहुंचे और एक मंदिर के गुरु श्री राम शरण दास के शिष्य बन गए। गुरुजी बहुत शांत स्वभाव के थे। वत्स जी गुरुजी, तुम मुझे एक नए शिष्य के रूप में प्राप्त हुए हो और तुम्हारी प्राप्ति पर मैंने एक श्लोक की रचना की है। अच्छा गुरुजी, क्या भला? श्री वेदर्षी नव चंद्राब्दे श्रीमत विक्रम वत्सरे प्राप्तो हम हरिशरणम माधवाचार्य इति नामता। इसका अर्थ समझ में आया? जी ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ। चंद्र एक, नौ ग्रह नौ, वेद चार, ऋषि सप्तर्षि सात, अर्थात विक्रम संवत 1947 को माधवाचार्य हरि शरण में आए हुए मुझे प्राप्त हुए। आज से तुम माधवाचार्य हुए। माधवाचार्य? गुरुजी आपने तो मेरा इतना उत्तम नामकरण कर दिया। अपने नाम को चरितार्थ करो, यहाँ रहकर संस्कृत अध्ययन करो जी, आचार्य बनो, आश्रम की मंदिर की गौशाला इत्यादि की देखरेख भी धीरे धीरे करना सीखते रहना जी। गुरुजी गुरुजी के द्वारा पिताजी को एकाएक अत्याधिक महत्व मिल गया था। वो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। 14 बरस बीत गए। ये दिखाने के लिए कि वो कुछ बन गए हैं पिताजी गांव वापस आए। दादा बहुत खुश हुए और इसी बीच उन्होंने उनका विवाह भी करवा दिया। दादा को अपना यह दायित्व निभाने की विशेष चिंता थी। पिताजी ने भी विवाह को हंसी खेल समझा होगा। जल्दी ही उन्होंने अयोध्या पहुंचकर अपने गुरुजी को यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन
ये क्या कर लिया तुमने? अब पत्नी समेत तो तुम यहाँ रह नहीं सकते। अब गुरुजी, पत्नी तो वहीं गांव में रहेगी और मैं यहीं। अब बीच बीच में कभी कभी गांव भी हो आया करूंगा। नहीं भाई नहीं, या तो तुम विवाह न करते, अगर कर लिया है तो गृहस्थ धर्म निभाओ। ये उचित नहीं कि तुम्हारी पत्नी तो बाहर है और तुम यहाँ। तो ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा शिरोधार है, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। सुखी रहो। ए भैया, जरा ये तनिक पत्थर निकालने में हमारी मदद करो। जी भैया। जो लगा के आयशा ससुरा निकल गया। पिताजी अपने भाइयों के साथ खेत पर काम तो करते मगर मन ना लगता, साथ ही ये भी देखते कि उनके सभी अविवाहित भाई उनकी पत्नी पर ज्यादा ही होक मचलाते हैं, उनसे झड़क कर बोलते हैं, यहाँ तक कि उनसे छोटी उम्र के भाई भी। ए भौजी, क्या खाना बनाई हो? नमक कितना तेज कर दिया? जाओ कुछ मीठा लेके आओ और हाँ पानी भी ले आना। जी भौजी, तीन दिन से कुर्ता पड़ा है, अभी तक धोए काए नहीं, और हाँ ये बर्तन भी मांज देना। जी रख दो लल्ला, अभी सब साफ कर दूंगी। अगर यहीं आकर खेती बाड़ी करनी थी तो मैं अपने घर से भागा क्यों? 14 बरस काशी और अयोध्या में क्यों गवाए? क्या ये दिन देखने के लिए, हल चलाने के लिए, पत्नी को अपमानित होता देखने के लिए? मुझे ये गांव छोड़ देना चाहिए, आजीविका की तलाश में निकल जाना चाहिए। किस सोच में डूबे हुए हैं? सुनो। हाँ? मैं सोचता हूँ कि गांव छोड़ दूँ। क्या? हाँ, तुम भी साथ चलो मेरे। गांव छोड़ दें? पर जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे? आपके पास कोई काम भी तो नहीं है, मैं भी क्या कर सकूंगी? अरे घर से निकलेंगे तो राह भी मिल जाएगी। हाँ? कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा ना, जो भी मिलेगा मैं कर लूंगा, मगर अब यहाँ नहीं रहना। जी और फिर पिता ने गांव छोड़ दिया, इस बार अपनी पत्नी के साथ, एक बार फिर अपनी टांगों का सहारा। ना कोई नौकरी, ना योग्यता, ना रहने का ठिकाना। पत्नी को ससुराल छोड़ आगे पढ़ाई करने को कहा, खुद कहीं एक मंदिर में पुजारी बन गए और फिर इधर से उधर चलने का सिलसिला चालू हो गया। सामान ढोया, मंगोड़े की दुकान लगाई और इसके लिए भी साबुत दाल खुद ढोकर लाते, उसे पीसते, फुलाते, फिर मंगोड़े बनाकर राहगीरों को बेचते। मुझ समेत 2 बच्चे हो जाने पर उन्हें गांव के स्कूल की मास्टरी मिली, मगर इसमें भी वो एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाते रहते, ना किसी काम को करने में हिचकते और ना ही अपनी सामर्थ्य के बाहर का मानते। फिर चाहे वो घर की दीवार खड़ी करना, छत लगाना, गाय भैंस दोहना, घी बनाना, उसे बाजार में बेचना, अनाज के बोरे उठाना, कुछ भी हो, लक्ष्य होता कि घर की माली हालत सुधर जाए। घर में है तो गृहस्थ धर्म का पालन, बाहर है तो ऋषियों सा जीवन। एक पेड़ के नीचे रहना, खुद पकाना, अल्पाहार, पूजा पाठ और अध्यापन। आज सोचता हूं कि दादा के पास पैर थे, पिता के पास टांगे थी, पर मेरे पास क्या है? कोहरे में कैद रंग। अभी आप गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित
इस रेडियो धारावाहिक की ये पहली कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थे शरद तिवारी, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार, निर्देशिका मंजू आलोक, सहयोग मनमोहन जोशी, ध्वन्यांकन मिक्सिंग शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, महेश जैन, प्रवीण कुमार शर्मा, दानिश इकबाल, विजय कुमार सिन्हा, अनीता जोशी, सैयद सलीम असगर जैदी, आदिल शेख, संजय शर्मा, ओम प्रकाश सिंह, साबिर हुसैन, राकेश कुमार, आशीष इलाहाबादी, सार्थक धवन, निशांत बिष्ट, देवयानी जोशी, अमनदीप कौर, रवि खन्ना, वैष्णव त्रिपाठी, विक्रमादित्य सक्सेना और मनमोहन जोशी। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एक दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।